आज हम बात करेंगे मेडिटेशन और एनर्जी के बारे में। हम बात करेंगे कि मेडिटेशन से एक ऐसी एनर्जी क्यों जनरेट होती है जो हमें एक अनलिमिटेड फीलिंग देती है और हमें ऐसा लगता है कि हम अनंत हैं, इनफाइनाइट हैं। और इस एक्सपीरियंस को देखते हुए जो हमारे सेजिस थे उन्होंने लिख दिया अहम ब्रह्मास्मि या तत्वमसि। और एक मिथिकल कंसेप्ट भी है हिंदुज्म में मेडिटेशन को लेकर कि जो ओल्ड सेजिस थे, अब क्योंकि ये साइंस से रिलेटेड नहीं है तो इसको मिथ कहना पड़ेगा। अब कई लोग इस पर बिलीव करते हैं और कई लोग नहीं करते हैं। जो एंशिएंट सेजिस थे, पुराने सेजिस थे, वो केवल मेडिटेशन के थ्रू हजारों सालों तक मेडिटेशन करते रहते थे बिना कुछ खाए बिना कुछ पिए। तो मेडिटेशन से इतनी एनर्जी क्यों जनरेट हो जाती है? और मेडिटेशन जो है वो जब ये एनर्जी जनरेट करती है, एक अनलिमिटेड सी एनर्जी, तो इस एनर्जी में बाकी जो सारी चीजें हैं, स्ट्रेस, एंजाइटी, कंफर्मिटी, डिपेंडेंसी और जिस भी तरह की आपके बंधन है, बॉन्डेज है, वो सारी खत्म हो जाती है। तो उसके पीछे रीजन क्या है? असल में जब हम मेडिटेट करते हैं, जब हम मेडिटेशन में होते हैं, तो मेडिटेशन के दौरान हमारे अंदर से ड्वेलिटी खत्म हो जाती है, द्वंद खत्म हो जाता है। ड्वेलिटी का मतलब है कि हमारे अंदर बहुत सारे थॉट्स चलते हैं कि हमें क्या करना है, क्या करना चाहिए, पीछे क्या हुआ था और ऐसा नहीं होना चाहिए था, बहुत तरह की चीजें चलती हैं। तो क्योंकि मेडिटेशन में हम सिर्फ एक दृष्टा मात्र होते हैं, एक साक्षी भाव में होते हैं, एक जस्ट एक ऑब्जर्वर होते हैं, एक सीयर होते हैं, एक वॉचर होते हैं मेडिटेशन में, तो हम क्या करते हैं, इन सारी चीजों को कैच नहीं कर रहे होते, इनसे रिलेट नहीं कर रहे होते। सिर्फ हम क्या कर रहे होते हैं, उस नथिंग में कंप्लीटली रहते हैं बिना रिएक्शन के। तो इससे क्या हो रहा है, इससे हमारी एनर्जी डिसिपेट नहीं हो रही है, खर्च नहीं हो रही है कहीं इधर उधर फालतू जगह पर। तो जब एनर्जी इधर उधर फालतू जगह पर खर्च नहीं होगी तो फिर क्या होगा, तो वो एनर्जी कंप्लीटली इनफाइनाइट एनर्जी हमें लगेगी। और वो एनर्जी फिर उसको कहा जाता है ना कि मटेरियल माइंड भी उस एनर्जी से बना है, तो वो मटेरियल माइंड भी इस एनर्जी को नहीं बता सकता कि एक्चुअल में एनर्जी क्या है। ये बिल्कुल एक इनफाइनाइट, एक डिफरेंट काइंड ऑफ एनर्जी होती है। अब क्योंकि मैंने बताया मेडिटेशन में हमारी ड्वालिटी खत्म हो जाती है, कंफ्लिक्ट खत्म हो जाते हैं, ये किसी भी तरह की चीजें हैं, अगर हम कुछ पाना चाहते हैं, कुछ सीख कर रहे हैं, या फिर हम अगर स्पिरिचुअलिटी में भी हैं, और इसमें भी एक तरह का कंपटीशन होता है, इसमें भी ड्वालिटी होती है कि हमें ये बनना है, इस लेवल पर जाना है, हमें ये सिद्धियां हासिल करनी है, या फिर हमें मेडिटेशन में और ज्यादा अच्छा बनना है। ये सारी चीजें हमारी एनर्जी को वेस्ट करती है, डिसिपेट करती है। तो फुल ऑफ एनर्जी, जब कंप्लीटली फुल ऑफ एनर्जी में हम हो जाते हैं, या फिर हम कह दें कि जब हम कंप्लीट मेडिटेशन में होते हैं तो फुल ऑफ एनर्जी होती है, ये दोनों बातें एक ही हैं। और ये फिर हमें एक एहसास कराती हैं वननेस का, सिंगुलैरिटी का, यूनिवर्स के साथ एक कनेक्शन का, जो कि बहुत ही, जो कि हमारे, हमें अपने आप को, हमारा जो आई है, हमारा जो मी है आर्टिफिशियल, उससे रिलेटेड बिल्कुल नहीं होता, वो बिल्कुल खत्म हो जाता है, हम कंप्लीट यूनिवर्स बन जाते हैं। तो सेजिस ने ये जो बातें लिखी हैं, जो बातें बताई हैं, वो सारी की सारी एक एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग बताई है। अब मेडिटेशन के बारे में कई सारी चीजें हैं, मेडिटेशन भी कई तरह की है, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ एक्चुअल और रियल मेडिटेशन की, कि रियल मेडिटेशन क्या है, जहां से सारी मेडिटेशन पास होती है। अगर आप एक्चुअल में, रियल में सही मेडिटेशन जानना चाहते हैं कि सही मेडिटेशन क्या है, तो इसको लेकर मैंने एक कंप्लीट कोर्स बनाया है 10 वीडियोस का, जिसमें मैं डिटेल में बात कर रहा हूँ कि एक्चुअल मेडिटेशन क्या है। इससे आप इंसाइट ले सकते हैं, इससे आप देख सकते हैं कि आपके लिए इसमें क्या है। आप चाहें तो इस कोर्स के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं स्क्रीन पर जो नंबर आ रहा है उस पर व्हाट्सअप करके। थैंक यू वेरी मच।